बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी 80 के दशक की एक्ट्रेसेस का जिक्र किया जाता है तो अभिनेत्री जया प्रदा का नाम जरूर आता है। उस जमाने में जया प्रदा अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती थी। लेकिन ये भी सच है कि जया प्रदा को प्रोफेशनल लाइफ में लोगों का जितना प्यार मिला उतना ही वो पर्सनल लाइफ में अकेली रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जया प्रदा के हस्बैंड के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जया प्रदा ने मात्र 14 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में केवल 3 मिनट की परफॉर्मेंस देकर लोगों का दिल जीत लिया था, जिसके बाद इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई थी। बेशक जया को उनका प्यार मिला और उनकी शादी भी हुई, लेकिन आज तक उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिला है। बता दें कि जया ने अपने निजी जीवन में खूब संघर्ष किए हैं। वहीं बात करें जया प्रदा की शादीशुदा जिंदगी की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 3 बच्चों वाले शादीशुदा शख्स से शादी की थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल जब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उनकी जिंदगी में श्रीकांत नहाटा आए, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। इसके बाद जया ने श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत नहाटा पहले से ही शादीशुदा थे, और इतना ही नहीं उनके 3 बच्चे भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी की थी। श्रीकांत ने जया को इनकम टैक्स के विवाद से निकालने में मदद की थी। इतना ही नहीं, वो जया को हर मौके पर इमोशनली भी सपोर्ट किया करते। शादी के बाद भी श्रीकांत ने जया प्रदा के साथ घर नहीं बसाया, वो अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहा करते थे। वहीं जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों के खूब झगड़े हुए। वहीं कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। जया प्रदा ने बच्चे की ख्वाहिश में अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। आज जया के बेटे सिद्धार्थ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बन चुके हैं और जल्द ही वो बॉलीवुड में भी डेब्यू कर सकते हैं। तो आपको जया प्रदा के हस्बैंड के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।